हर वक्त वजीर आजम के साथ चलने वाले इस ब्रीफ केस में क्या ऐसी चीज होती है जवाब पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू करने वाले बीबीसी के एक सहाफी जान सैम्पन ने यह हैरान कन दावा किया कि वजीर आजम के साथ हमेशा रहने वाले एक शख्स के पास मौजूद काले रंग का एक ब्रीफ केस होता है जिसमें एटम बम के कोड मौजूद होते हैं। तो उसके इस दावे करने के बाद हर कोई हैरान रह गया कि इतनी बड़ी चीज़ को वजीर आजम साहब खुद साथ लेके चलते हैं। और पाकिस्तानी की जानब से दिलचस्प तबसरों का भी सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके साथ ये भी हकीकत सामने आ गई है कि दरअसल इस ब्रीफ केस में क्या होता है। अलबत्ता इस मामले पर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, लेकिन इसमें मौजूद चीज़ का मकसद एक ही है। इंटरव्यू की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो चंद पाकिस्तानी सार्फिन की जानब से उसकी हकीकत भी बताई गई, जिसके मुताबिक इस ब्रीफ केस में एटम बम के कोड नहीं बल्कि एक शील्ड होती है। ब्रीफ केस में एक शील्ड होती है जिसे ब्लास्ट ब्लैंकेट बोलते हैं और इसे अहम तरीन शख्सियात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दर हकीकत में ये एटम बम के कोड नहीं है बल्कि ये एक ब्लास्टिक ब्लैंकेट है जो कि हमले के वक्त गोलियों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसी के दरमियान नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने लिखा है कि इन ब्रीफ केसेस में दरअसल जेम्ड फुट किए होते हैं ताकि बम धमाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी रिमोट डिवाइस को नकारा किया जा सके। एटम बम के कोड होना तो सिर्फ एक आम सी बात है, लेकिन ये एक ऐसा बैग होता है जो खोलकर शील्ड की शक्ल अख्तियार कर जाता है जिसके जरिए गोलियों से बचाया जा सकता है। वाजे हो गया है कि वजीर आजम के साथ रहने वाले शख्स के ब्रीफ केस में एटम बम के कोड नहीं बल्कि वजीर आजम की हिफाजत के लिए एक शील्ड है जिससे बवक्त जरूरत काम लाया जा सके। अलबत्ता जिस सहाफी ने ऐसा दावा किया है ये बात समझ से बालातर है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मुझे बताया गया है, हालांकि ऐसी रात की बातें भी भला किसी को बताता है। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पीएम इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और आईएसआई जिंदाबाद लाजमी मेंशन कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।